और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, ट्विटर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। जिस तरीके से पिछले दिनों पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंची थी और उसी को लेकर कहा यह गया है कि भारत में काम कर रहे स्टाफ की सुरक्षा की चिंता है हमें, यह ट्विटर की तरफ से यह बातें कही गई हैं। दफ्तर में पुलिस के पहुंचने पर ट्विटर का यह बयान जारी किया गया है। तो यह बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, ट्विटर ने उसके दफ्तर में पुलिस के पहुंचने पर चिंता जताई है। जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि जो स्टाफ भारत में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कंपनी चिंतित है। सोमवार को पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंची थी। टूल किट को लेकर जो विवाद गहराया था और जिस तरीके से एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड ट्वीट की श्रेणी में डाल दिया गया था, उसी को लेकर यह मामला बढ़ता हुआ नजर आया था और पुलिस इसी से मुतल्लिक जांच पड़ताल के सिलसिले में ट्विटर के दफ्तर पहुंची थी और अब ट्विटर की तरफ से यह बयान दिया गया है। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अंकित, क्या कहा गया है ट्विटर की तरफ से, क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें है, जरा पहले वो बताइए विस्तार से। अखिलेश, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्विटर की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल की टीम उनके दफ्तर पर पहुंची थी और वहां पर पहुंच करके छापेमारी करने के इरादे से गई थी, उससे अब उनको जो है, जो उनका एम्प्लॉयज है यानी कि वहां जो काम करने वाले हैं उनको ही सुरक्षा को लेकर के खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि वो नोटिस देने के लिए गए थे, छापेमारी करने के लिए नहीं, लेकिन ट्विटर ने साफ तौर पर कहा है, बाकायदा जो अपने बयान में यहां तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी यानी कि बीजेपी से जो कि जो है सत्तारूढ़ पार्टी भी है, उससे जुड़े हुए एक नेता के जो है जब ट्वीट को मैनिपुलेट ट्वीट करार दिया गया, उसके बाद में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और इस वजह से भारत में जो भी ट्विटर के एम्प्लॉइज हैं यानी कि जो वहां काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के अब खतरा महसूस होने लगा है। लेकिन अखिलेश, हमको यहां ये भी समझना होगा कि ट्विटर का ये बयान आज की तारीख में क्यों आया है। ये इस वजह से आया है कि एक तो दिल्ली पुलिस की टीम जो है पूछताछ के लिए तो गई थी, नोटिस सर्व करने के लिए तो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में जो गाइडलाइन जारी की थी उसकी मियाद भी खत्म हो गई है और उस पर ट्विटर की तरफ से भी अब तक कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया है केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लेकर के। हालांकि व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में चुनौती जरूर दी है, लेकिन केंद्र सरकार की उस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की मियाद भी खत्म हो चुकी है और इस वजह से भी ये डर साफ दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस जानकारी के लिए आप। ABP News आपको रखे आगे।